बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ऑपरेटिंग सिस्टम CS604, मैं आपको सारे स्टेप्स बताऊंगा, वर्चुअल बॉक्स कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे मशीन बनाते हैं, कैसे रन करते हैं, कोड कैसे कॉपी करना है, एग्जीक्यूशन कैसे होगी, फॉलो करें। और पेड जिन लोगों को चाहिए तो ग्रुप डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप के ग्रुप का लिंक है, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और 23 को ही आपको फाइल्स मिलेंगी, आप 24 को भी जमा करवा सकते हैं। ये असाइनमेंट एक एक्सटेंडेड डे होता है, तो परेशान नहीं होना, चलें चलते हैं। यानी क्या बनाना है, क्या करना है, और सबसे ज़्यादा बड़ी हेडेक लिनक्स इंस्टॉल करना और उसको रन करना है। तो इसके अंदर हमने सी का कोड लिखना है, तो सी का कोड मैंने डायरेक्टली अपने पास डेव के अंदर बना लिया। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मैंने यहाँ पे ना खुद ही इसका एक कोड बना लिया, इसको नोट पैड के अंदर भी लिख सकते हैं। मैंने इसको ये किया कि USB के अंदर फाइल को रखा और फिर वहाँ से डेव के अंदर कोड लिखेंगे तो एरर आने के चांसेस कम होंगे, क्योंकि जो एरर होगा वो जल्दी से पता चल जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पे ही कोड बनाया है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू लर्निंग विद आबिद, उसके उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किए, ये फाइल उन्होंने शेयर की थी। तो मैं किसी का भी क्रेडिट नहीं रखना चाहता, जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं मैं हमेशा उनके साथ रहता हूँ। तो नेक्स्ट वन ये है कि ये कोड मैंने USB में रखा, USB में रख के मैंने वर्चुअल बॉक्स को रन किया। वर्चुअल बॉक्स के अंदर कोई मुश्किल नहीं है, ये वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल होने के बाद न्यू करना है, यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, या हाँ नाम लिख लें, और उसके बाद यहाँ से आपने इंस्टॉल कर Ubuntu डाउनलोड किया होगा, आपके पास 1 or 2 GB का होगा, वो वहाँ से आपने उसको ले लेना है। यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट को पहले लिनक्स कर दें, लिनक्स के बाद यहाँ से आपने Ubuntu 64-bit मैंने ये किया हुआ है, और फिर नेक्स्ट यहाँ पे नाम लिखना है, और नाम लिखने के बाद हमने नेक्स्ट मूव करना है। यहाँ से वो MB पूछेगा, वो हमने दे दिए क्रिएट, जो वो पूछता जा रहा है हमने करते जाना है। यहाँ पे भी VID रख लें और नेक्स्ट कर दें, यहाँ पे भी डायनामिक रखते हैं, कुछ भी नहीं करना, ये भी कर दें, क्रिएट हो जाएगी। यहाँ मैं रोक रहा हूँ, क्रिएट होने के बाद ये यहाँ पे आ जाएगी। इसके अंदर अब कुछ सेटिंग्स करनी है इसको बनाने के लिए, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये सेटिंग, इसके अंदर जाना है आप लोगों ने, सेटिंग में जाके स्टोरेज में जाके आपने यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है, यहाँ साटा और ये चीज़ें, ये वाली चीज़ यहाँ पे, ये जो छोटी सी डिस्क है इसको क्लिक करना है। और आपने अपने पास जो Ubuntu का iOS फाइल होगी, Ubuntu 1604.7 desktop 64.iso फाइल, यहाँ से आपने चूज डेस्क फाइल कर लेनी है, जहाँ से ये आ जाएगी। तो बस उसके बाद आपने इसको लिंक कर लेना। अब आप पूछेंगे ये कहाँ से आएगी, यहाँ पे हमने क्लिक करना है, और ये चीज़ आपने पहले से डाउनलोड की होगी। ये Ubuntu एक लिनक्स का वर्जन है, इसकी ISO फाइल आपने डाउनलोड करनी है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ये डेस्क आएगी, यहाँ से डेस्क से आपने चूज डिस्क फाइल करनी है, और उसमें ये मेरे पास पहले से है इसलिए मैंने इसको अटैच कर दिया, और अटैच करने के बाद ओके कर दिया। जब ये ओके हो जाएगा उसके बाद आपने USB पे आना है, USB आपने अपनी अटैच की होगी पहले इसको रन करने से पहले, और यहाँ पे प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे और अपनी USB इसके साथ लगा लेंगे। तो ये USB मेरी अटैच्ड है, तो मैं अपनी USB लगाऊंगा, आपको चेक करवाऊंगा कि कैसे मैं फ़ाइल को कॉपी करता हूँ, क्योंकि इधर आके लिखना काफ़ी मुश्किल है और एरर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए मैं कोड वहीं लिख के ले आता हूँ विंडोज़ के अंदर ही। तो ये काम हो गया, उसके बाद इसको आपने क्लिक करना है और स्टार्ट कर देना है। यहाँ पे स्टार्ट का बटन है, आपने इसको रनिंग कर देना है, स्टार्ट कर देना है, यहाँ पे बटन होता है स्टार्ट, और वो स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ी देर लगेगी, और उसके बाद आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। मैं इसको करके भी दिखाऊंगा अभी कुछ देर में। तो ये मेरे पास फाइल है जो मैंने बनाई है, sp1.c फाइल, ये मैं डायरेक्टली कॉपी करके ले आया हूँ अपनी उधर से, मैंने यहाँ आके कोड नहीं लिखा। इस कोड को बनाने के लिए क्या करेंगे, आपकी साइड विंडो के ऊपर जैसे असाइनमेंट में नज़र आ रहा है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास जो है मैंने उसका ट्रायल वर्जन इंस्टॉल किया हुआ है, मतलब मैं सिर्फ ट्राई Ubuntu करता हूँ, मैं इंस्टॉल ही नहीं करता, सिर्फ अपना कोड रन किया और चले गए। ये साइड पे आपको ये फाइल मिल जाएगी, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये बन जाएगी। टर्मिनल चाहिए तो ये है, टेक्स्ट फाइल है तो ये है, दोनों में से कोई आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। ये साइड पे मेन्यू आपके पास होगा,
मेरे पास नहीं है, मेरे पास डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करें, न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें, एम्प्टी डॉक्यूमेंट आ जाता है। इसके अंदर मैं कोड अपना लिख लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ, टाइप कर लेता हूँ, जो मेरा दिल करेगा मैं इसके अंदर कर सकता हूँ। फाइल लिखे हैं एनी वे और डोंट एडिट, तो ये करते जाएँ और ये आपके पास आ जाएगी फाइल। इसको बनाना आसान है। इसको जब टर्मिनल ओपन करते हैं, टर्मिनल क्या होता है, जहाँ पे हमने कोड रन करना है, जहाँ पे हमने वो सारी कमांड लिखनी है, तो ये टर्मिनल है। टर्मिनल में जाके इस फाइल को चेंज कर सकते हैं, रीनेम कर देंगे RM और आगे फाइल नेम SP और फिर लिख देंगे SP1.c, तो वो उसको चेंज कर देगा .c एक्सटेंशन में। अदरवाइज़ आप विंडोज से ही जैसे मैं लेके आया हूँ वैसे कर ले तो ज़्यादा अच्छी बात है। अब मैं आपको इसको इसका कोड यहाँ पे दिखा सकता हूँ, अगर आप कहते हैं तो हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच स्टूडियो डॉट स्टूडियो लिब डॉट एच उसके बाद INISTD.h मेन और पाइप, उन्होंने पहले कहा था कि पाइप यूज़ करना है और टू यूज़ कर लिया। पेरेंट आईडी के लिए और चाइल्ड आईडी के लिए वेरिएबल्स हैं, करेक्टर और चाइल्ड 10 और उसके बाद पाइप FT अगर -1 है तो वो उसे एरर दे देगा। उसके बाद चाइल्ड को यूज़ करते हुए हम क्रिएट करेंगे चाइल्ड प्रोसेस को। फॉर्क जो है वो हमें देता है, फॉर्क हमें देता है कि दी चाइल्ड को क्रिएट करने के लिए, और अगर नहीं क्रिएट होता तो वो -1 रिटर्न करेगा और एरर दे देगा, और अगर 0 है तो वो चाइल्ड आईडी गेट कर लेगा और ला के रख लेगा इसके अंदर और नेक्स्ट लाइन पे उसको डिस्प्ले करवा देगा। और डिस्प्ले जो है वो इस पॉइंट पे होना है, गेट पेरेंट आईडी चाइल्ड आईडी यहाँ पे हो रही है, यहाँ सिर्फ उसने गेट किया है और एरर्स को हैंडल किया है, उसके बाद एरर्स को डिस्प्ले करवाया। नेक्स्ट पेरेंट आईडी के लिए उसने यूज़ किया है ये लाइन, और पेरेंट आईडी जब आ जाएगी फिर उसको यहाँ पर डिस्प्ले करवा देंगे। तो ये कुछ लाइनें हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, खुद लिखना लिख लें, आपकी मर्ज़ी है। आपके पास ऑलरेडी कोड हो भी सकता है, नेट के ऊपर भी मैंने देखा था किसी जगह पर पड़ा हुआ कोड, स्टैक ओवरफ्लो के ऊपर भी ये कोड पड़ा हुआ है। यहाँ से ये पेरेंट चाइल्ड आईडी गेट पेरेंट गेट पेरेंट आईडी गेट पेरेंट और PID, तो ये कोड आपको नेट पे मिल जाएगा, कोई इतना बड़ा मसला है ही नहीं ये वाला। तो आपने सिर्फ पेरेंट और चाइल्ड को उस तरह के आउटपुट में शो करवाना है। तो नेक्स्ट वन जो है इसको रन कैसे करना है, इसको मैं अब यही कोड मैं इसको बंद कर रहा हूँ, मैं आपको टर्मिनल ओपन करके दिखाता हूँ। टर्मिनल में आपने लिखना है GC और मेरी फाइल का नाम, बल्कि यहाँ पे हमें पहले जाना पड़ेगा डेस्कटॉप के ऊपर, और इसके लिए स्पेलिंग का ख्याल रखना होता है। ये डेस्कटॉप के, क्योंकि मेरा कोड डेस्कटॉप के ऊपर पड़ा हुआ है, तो जहाँ पे होगा मुझे कैसे पता चला, क्योंकि आपके सामने स्क्रीन भी है, उसमें डेस्कटॉप के ऊपर ही डाटा पड़ा है। SP1.c-o SP1.out, तो ये जैसे ही मैं करूँगा तो वो आउट की एक आउटपुट फाइल जनरेट कर देगा, फिर मैं ./ और फिर उसके बाद SP1.out करूँगा, तो ये जैसे ही करूँगा तो ये मेरा पेरेंट आईडी 4561 है, उसके बाद 4562 जो है वो चाइल्ड आईडी है, फिर ये नीचे उसने पेरेंट आईडी प्रोसेस आईडी दिखा दी है। तो यही हमने करना था। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो उन्होंने कहा था व्यू में जाएं, व्यू में कहा था मशीन में जाएं टेक स्क्रीनशॉट कर लें, अदरवाइज़ मैं तो इसके लिए स्क्रीन स्निपिंग टूल ही यूज़ कर लेता हूँ बाहर से, विंडो से, क्योंकि मेरा सारा कुछ बाहर से चल रहा है, तो मुझे कोई अलग से नहीं, क्योंकि मैंने ट्राई वर्जन यूज़ किया हुआ है। अब हम इस मशीन को बंद कर देते हैं, क्योंकि आपने आउटपुट देख लिए, और इसको मैं बंद कर रहा हूँ, ये शट डाउन मांग रहा है, थोड़ी सी देर लगेगी आपको लेकिन पूरा प्रोसेस समझ आ जाएगा। मैं वर्चुअल बॉक्स के अंदर गया और ये देखें यहाँ पर स्टार्ट लिखा हुआ है, तो जब आपकी वो मशीन लोड हो जाएगी, सेटिंग्स हो जाएंगी, फिर उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हुए मैं आपको बताता जाऊँ कि ये स्टार्ट होते हुए थोड़ी देर लेगा। आप मशीन का नाम नया रख सकते हैं, जैसे मैं हर किसी के लिए अलग नाम लेता हूँ, पेड वर्जन वालों के लिए अलग। तो आपने ग्रुप ज्वाइन करना है नीचे जो है, और उसके अंदर आप आके मुझसे पूछ सकते हैं कितने की है और सो ऑन। ये थोड़ी देर लगाएगा मशीन को रन होने में, लेकिन आपको सारे प्रोसेस समझ आ जाएंगे कि ये सारा चेक कैसे कर रहा है। लेकिन ये गलती हो गई है कि मैंने आपको USB नहीं दिखाई, कि USB लगाना ज़रूरी थी पहले, तो USB के लिए मुझे बंद करना पड़ सकता है।
यूएसबी लगाना ज़रूरी है इसके अंदर, पहले से लगाई हो, इसको स्टार्ट करने से पहले आपने लगा देनी है ताकि वो लेके आ रहे, और अदरवाइज़ वो नहीं लेके आएगा। लेकिन अभी खैर प्रोसेस चल रहा है तो मैं इसको चलने देता हूँ ताकि आपको समझ आ रहा है कि मैं स्टार्ट क्लिक किया तो एरर आएगा। जो एरर आएगा उसको नेट पे जाके सर्च करें और वो आपको एरर्स की सोल्यूशन बताते जाएंगे। आपको वर्चुअल मशीन पहले इंस्टॉल करनी है, ये बंटू डाउनलोड करना है और फिर इसको चलाना है। अदरवाइज़ कोई ऑनलाइन साइट्स भी हैं जहाँ पे आप जाके ये काम कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो जहाँ पे आप इसको कोड को रन कर सकते हैं या लिख सकते हैं और लिख के रन कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, वहाँ अकाउंट बनाएं और चला लें, तो आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। और कोई भी आपका क्वेश्चन हो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के रिलेटेड वो मुझसे पूछ सकते हैं। ये मैं सिर्फ इसलिए इसके अंदर बातें कर ही जा रहा हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि ये भी साथ में आपको देखते रहें और बोरियत ना हो। आप टाइम को किस तरह हैंडल करना ही करना है, तो ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो यूएसबी आपने अटैच करनी है, वो मेन काम था जो मैं मिस कर गया क्योंकि मेरा माइक भी लगा हुआ है। तो यूएसबी अटैच करनी है और वो फाइल लेके आनी है, अदरवाइज़ आपको ख़ुद कोड करना पड़ेगा टेक्स्ट फाइल के अंदर आके, और मेरे लिए तो इतना इशू नहीं। मैंने बंद करनी है मशीन और चला लेनी है, तो इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। और लेट्स सी आप लोगों को समझ आ रहे, बस असल मेन मकसद जो मेरा है वो कुछ यही है। इसके अंदर कोड लिखते हुए गलतियाँ आती हैं, उन गलतियों को देखना है। ये देखें यहाँ पे दो वर्जन मेरे पास आएंगे क्योंकि मैंने पुराना वर्जन इंस्टॉल किया हुआ है, 2 साल पहले 1.5 साल पहले वाला, तो मुझे इशू नहीं आता। मैं ट्राई ये बंटू करके इस्तेमाल कर लेता हूँ तो मुझे इतना इशू नहीं है। लेकिन लोग इंस्टॉल बंटू करने बैठ जाते हैं, उस पर टाइम लगता है और फिर वो ऑप्शन भी ढूंढते रहते हैं। आपके LMS के अंदर सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं डाउनलोड सेक्शन के अंदर, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। ये ट्राई है, ये इंस्टॉल है, इस पर काफ़ी टाइम लगता है, इसमें विंडो उड़ने का ख़तरा भी होता है, इसलिए मैं सिर्फ ट्राई करता हूँ। ट्राई करने पे ये है कि वो मुझे वो जो छोटे छोटे चीज़ें चाहिए मेरे काम की वो मुझे मिल जाती हैं। आपके पास पता नहीं है कि नहीं है तो ये आपने देखना है। आप अगर इंस्टॉल करेंगे तो ध्यान रखें कि विंडो वाली ड्राइव के ऊपर इसको इंस्टॉल ना करें, इसको कहीं और इंस्टॉल कर लें और बचें इससे। कई दफ़ा मैंने देखा है कि लोगों की विंडोज़ क्रैश कर गई, असाइनमेंट तो जाएगी जाएगी और भी बहुत सारे काम ख़राब होंगे, इसलिए इसके लिए आप थोड़ा ध्यान रखा करें। ये काम जब हो रहा होता है तो उसके लिए आप ट्राई की तरफ ही मूव करें रादर देन इंस्टॉल। तो ये देखें, ये अब आपके सामने डेस्कटॉप स्क्रीन आ जाएगी लिनक्स की। लिनक्स के लिए आपको यूबंटू का वर्जन डाउनलोड करना पड़ेगा, तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। ये बंटू 1 और 2 GB का है मेरे पास, तो मेरा ख्याल 2 GB का है, तो आपने भी इसी तरह डाउनलोड करना है ये बंटू का वर्जन और फिर वो उस फाइल को अटैच करना है स्टार्ट टाइम पे। और ये मेरे पास आ चुका है, ये देखिए अभी वो मुझे कह रहा है इंस्टॉल कर लो। यहाँ पे अब वो डॉक्यूमेंट नहीं है जो लास्ट टाइम था, वो कैसे आएगा? वो USB अटैच होगी तो फिर वो इस जगह पे आएगा, यहाँ पे वो USB आ जाती है। मैं एक दफ़ा